हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि फर्टिलाइजर डोज के कैलकुलेशन को हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि फर्टिलाइजर का यूज़ आखिर क्यों करते हैं और इसके डोज के कैलकुलेशन की आखिर नीड क्यों पड़ती है। तो क्रॉप के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में लगते हैं, जैसे कि NPK, कुछ होते हैं जो कम अमाउंट में लगते हैं, और इन न्यूट्रिएंट्स का फुलफिलमेंट हम फर्टिलाइजर के एप्लीकेशन के थ्रू करा सकते हैं, इसलिए ही हम फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं। अब फर्टिलाइजर के डोज की कैलकुलेशन करने की नीड क्यों होती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम 100% कोई फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उसमें हमको 100% न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें यूरिया की, अगर हम 100 kg यूरिया फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो हमको सिर्फ 46 kg नाइट्रोजन जो है मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम सिंगल सुपर फॉस्फेट डालते हैं 100 kg, तो हमको 16% ही फॉस्फोरस मिलेगा फील्ड में। म्यूरेट ऑफ पोटैश की बात करें तो म्यूरेट ऑफ पोटैश अगर हम 100 kg डालते हैं तो हमको 60 kg पोटेशियम मिलेगा। ऐसे ही सारे न्यू फर्टिलाइजर्स में अलग अलग परसेंट में टेज में न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि सल्फेट ऑफ पोटैश में 50% पोटेशियम होता है, DAP में, डायमोनियम फॉस्फेट में 2 न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, 18% नाइट्रोजन और 46% फॉस्फोरस। अब हम फर्टिलाइजर डोज का कैलकुलेशन किस तरीके से कर सकते हैं? ये हम एक सिंपल से फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर नीडेड, हमको कितना फर्टिलाइजर लगेगा, इक्वल्स टू रिकमेंडेड डोज या न्यूट्रिएंट, जितना हमको रिकमेंड किया गया है स्पेसिफिक क्रॉप के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, अपॉन परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट इन फर्टिलाइजर, कितना न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर में हमारे प्रेजेंट है, इनटू 100। जो फर्टिलाइजर की डोज निकलेगी वो होगी kg पर हेक्टेयर में। न्यूट्रिएंट जो रिकमेंडेड होता है वो kg पर हेक्टेयर में होता है, और फर्टिलाइजर्स में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं, इनटू 100। ये हम एक बेसिक न्यूमेरिकल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमको यूरिया का एप्लीकेशन कराना है 1 हेक्टेयर एरिया में, रिकमेंडेड डोज दी गई है 150 kg पर हेक्टेयर। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ यूरिया कितना लगेगा, 150 kg नाइट्रोजन हमको डालना है, इसमें कितना न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, 46% इनटू 100, ये हमारा आ जाएगा 326.08 kg पर हेक्टेयर। इसका मतलब क्या हुआ, हमको 150 kg नाइट्रोजन का फील्ड में एप्लीकेशन करने के लिए कितना kg यूरिया लगेगा, 326 kg। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर हमको NPK तीनों का ही एप्लीकेशन करना है फील्ड में, डोज हमको दी गई है 150 kg नाइट्रोजन, 60 kg फॉस्फोरस और 40 kg पोटेशियम। ये हमको यूरिया, SSP और MOP के थ्रू अप्लाई करना है, ठीक है, 1 हेक्टेयर एरिया के लिए। तो कितना यूरिया, कितना SSP, कितना MOP निकलेगा ये देखते हैं। तो अमाउंट ऑफ यूरिया कितना लगेगा, रिकमेंडेड डोज दी गई है 150 अपॉन कितना परसेंटेज नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है यूरिया में, 46% इंटू 100, यह आ जाएगा 326.09 kg। मतलब 150 kg नाइट्रोजन अगर हमको फील्ड में प्रोवाइड करना है तो हमको कितना यूरिया लग रहा है, 326 kg। इस तरीके से सिंगल सुपर फॉस्फेट का हम कैलकुलेशन करेंगे। SSP ये हमको रिकमेंडेशन कितना दिया हुआ है, 60 kg का, अपॉन कितना फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, 16% इंटू 100, यह आ जाएगा 375 kg। मतलब 60 kg फॉस्फोरस अप्लाई करने के लिए हमको 375 kg सिंगल सुपर फॉस्फेट लगेगा। तीसरा फर्टिलाइजर तो था MOP, MOP हमको कितना लग रहा है, 40 kg रिकमेंडेड है पोटेशियम, तो 40 रिकमेंडेड डोज अपॉन कितना पोटेशियम प्रेजेंट है, 60% इंटू 100, ये हमारा आ जाएगा 66.67 kg। मतलब 1 हेक्टेयर में अगर हमको 40 kg पोटेशियम अप्लाई करना है
तो हमको कितना म्यूरेट ऑफ पोटैश लगेगा, 66.67। ये एक हेक्टेयर के लिए था। अगर हमको दो हेक्टेयर के लिए निकालना है तो हम सबसे सब में इंटू टू कर देंगे, अगर हमको तीन हेक्टेयर के लिए निकालना है तो इंटू थ्री कर लेंगे। ये हम MOP के थ्रू निकाले। अब हम एक ऐसा न्यूमेरिकल करने वाले हैं जिसमें हम DAP के थ्रू कैलकुलेशन करेंगे। DAP में हमारा नाइट्रोजन भी जाएगा और डाई अमोनियम फॉस्फेरस भी जाएगा, तो हमको कितना कितना यूरिया, DAP और MOP लगेगा ये कैलकुलेट करते हैं। जो फर्टिलाइजर का कैलकुलेशन है ये न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो रिकमेंडेड डोज सपोज दी गई है 120 kg नाइट्रोजन, 60 kg फॉस्फोरस और 40 kg पोटेशियम पर हेक्टेयर में, और हमको यूरिया, DAP और MOP के थ्रू निकालना है। हमको ये बताना है कि कितना अमाउंट यूरिया, DAP या MOP का लगेगा एक हेक्टेयर एरिया के लिए। तो हम स्टार्ट करेंगे DAP से, क्योंकि DAP में दो न्यूट्रिएंट हैं, दो न्यूट्रिएंट उसमें भी क्या क्या है, 18% हमारा नाइट्रोजन है और 46% फॉस्फोरस है। तो जो ज़्यादा परसेंटेज में होता है उसका कैलकुलेशन हम पहले करते हैं। तो अमाउंट ऑफ DAP, क्योंकि 46% P2O5 जो है प्रेजेंट होता है 100 kg DAP में, तो 1 kg P2O5 में कितना प्रेजेंट होगा, 100 अपॉन 46 kg DAP। हमको निकालना कितना है, 60 kg। तो 60 kg P2O5 अगर हमको चाहिए तो हमको 100 अपॉन 46 into 60 kg करना पड़ेगा। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 130 kg DAP पर हेक्टेयर। मतलब हमको 60 kg फॉस्फोरस का एप्लीकेशन करना है तो हमको 130 kg DAP का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अब हमने 130 kg DAP तो अप्लाई कर दिया, इसमें हमारा 60 kg फॉस्फोरस का फुलफिलमेंट हो गया, लेकिन इसमें कुछ अमाउंट नाइट्रोजन का भी चला गया। तो हमको ये देखना होगा कि 130 kg अगर हम DAP अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कितना नाइट्रोजन ऑलरेडी चला जा चुका है फील्ड में। तो ये हम देखेंगे अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कितना गया है 130 kg DAP में। तो अगर हम बात करें 100 किलो DAP की, तो अगर हम 100 किलो DAP डालते हैं तो उसमें 18 किलो नाइट्रोजन होता है। तो 1 किलो DAP में कितना नाइट्रोजन होगा, 18/100 kg नाइट्रोजन, ठीक है। अब हम देखेंगे तो फिर 130 kg DAP में कितना नाइट्रोजन गया होगा, 18/100 × 130, ये आ जाएगा 23.47 kg नाइट्रोजन। मतलब हम अगर 130 kg DAP का एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उसमें 60 kg फॉस्फोरस चला गया और 23.47 kg नाइट्रोजन चला गया है, और हमको फील्ड में एप्लीकेशन कितना करना था, 120 kg, ठीक है। तो अब हम 120 kg से माइनस करेंगे 23 को, जितना भी अमाउंट बचेगा उतना नाइट्रोजन हम यूरिया के थ्रू अप्लाई कर देंगे। रिकमेंडेड डोज थी हमारी 120 kg नाइट्रोजन, हमारा DAP के थ्रू 23 kg ऑलरेडी जा चुका है, तो हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 96.53 kg नाइट्रोजन। मतलब इतना नाइट्रोजन हमको अब यूरिया के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। तो इतना नाइट्रोजन अप्लाई करने के लिए कितना यूरिया लगेगा, इसका अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट ऑफ यूरिया इक्वल्स टू रिकमेंडेड डोज कितनी है, 96.53 अपॉन 46% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है यूरिया में इंटू 100। हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी 209.84 kg यूरिया पर हेक्टेयर। मतलब 96.53 kg नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करने के लिए हमको 209 kg यूरिया जो है लग रहा है। DAP में हम ये देखें कि जब हमको फॉस्फोरस का एप्लीकेशन करना था, 60 kg का फॉस्फोरस का एप्लीकेशन 130 kg DAP में हो गया, इसमें कुछ नाइट्रोजन भी चला गया था, तो हमने कैलकुलेशन किया कितना नाइट्रोजन गया था, 23.47, लेकिन हमको डालना कितना था, 120 kg नाइट्रोजन डालना था।
तो कितना बचा ये हम माइनस करके निकाल सकते हैं। ये रिकमेंडेड था, ये डीएपी के थ्रू चला गया, बचा 96.53। अब हम इसको यूरिया के थ्रू डालें तो सेम फॉर्मूला यूज़ करके डालें, रिकमेंडेड डोज अपॉन न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर इनटू 100, मतलब 209.84 केजी यूरिया पर हेक्टेयर हमको लग रहा है। अब बचा क्या, पोटेशियम। तो हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ एमओपी आखिर कितना लग रहा है। इसके लिए रिकमेंडेड डोज कितनी दी गई हुई है, 40 अपॉन कितना परसेंट पोटेशियम प्रेजेंट होता है एमओपी में, 60% इनटू 100, ये आ जाएगा 66.66 केजी एमओपी पर हेक्टेयर। तो ये एक हेक्टेयर एरिया के लिए हमने निकाला कि कितना हमको डीएपी, यूरिया और एमओपी लग रहा है। इसी के अकॉर्डिंग हम एरिया वाइज कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमको कम एरिया का चाहिए तो हम कम एरिया के लिए फर्टिलाइज़र का डोज को कम कर सकते हैं, और ज़्यादा चाहिए जैसे कि 2 हेक्टेयर चाहिए, 3 हेक्टेयर चाहिए तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमको टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।